90s की फेमस एक्टर सुरेश ओबेरॉय। तो हर फ्रेंड कैसे आप सब लोग, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सुरेश ओबेरॉय जी ने कितनी मूवीज बनाई हैं, कितनी मूवीज उनमें काम किया है, कितनी मूवीज उनकी फ्लॉप एवरेज हिट रही। करते हैं शुरू। इनकी पहली मूवी आती है दोस्तों प्यार का देवता, जो कि 1991 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी जो है एवरेज साबित हुई। नंबर दो पे मूवी आती है जान की कसम, 1991 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी जो है फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर तीन पे इनकी मूवी आती है दोस्तों देशवासी, 1991 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद सुरेश ओबेरॉय जी की चौथी मूवी दस्तूर, 1991 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर उसके बाद नंबर पाँच में मूवी आती है दिल का क्या कसूर, 1992 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी हिट साबित हुई। उसके बाद नंबर छः पे मूवी आती है दोस्तों इंदिरा, 1992 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी हिट साबित हुई। फिर सुरेश ओबेरॉय जी की सातवीं मूवी आती है दोस्तों अपराधी, 1992 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। उसके बाद नंबर आठ पे मूवी आती है अभी अभी, 1992 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। उसके बाद नवी मूवी आती है तिरंगा, जो कि सुपर हिट साबित होती है दोस्तों। 10 नंबर पे मूवी आती है गेम, जो कि डिजास्टर साबित होती है। उसके बाद नंबर 11 पे मूवी आती है अनारी, 1993 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद सुरेश जी की 12वीं मूवी आती है भूकंप, 1993 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद नंबर 13 पे मूवी आती है धरती पुत्र, 1993 में रिलीज हुई, एवरेज साबित हुई। उसके बाद नंबर 14 पे मूवी आती है सांतन, 1993 में फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद नंबर 15 पे मूवी आती है आंसू बने अंगारे, 1993 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। नंबर 16 पे मूवी आती है विजयपत, 1994 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी हिट साबित हुई। उसके बाद सुरेश ओबेरॉय जी की 17वीं मूवी आती है सुहाग, 1999 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी हिट साबित हुई। उसके बाद नंबर 18 पे मूवी आती है गोपी किशन, 1994 में सुपर हिट साबित हुई। नंबर 19 पे आती है जय विक्रांता, 1995 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर नंबर 20 पे मूवी आती है रघुवीर, 1995 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर नंबर 21 पे मूवी आती है किस्मत, 1995 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर सुरेश ओबेरॉय जी की 22वीं मूवी आती है दिलबर, 1995 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। उसके बाद नंबर 23 पे मूवी आती है दिया और तूफान, 1995 में फ्लॉप साबित हुई। नंबर 24 पे आती है मेरा महबूब मेरा नसीबा, 1995 में फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद नंबर 24 पे मूवी आती है दोस्तों जान, 1996 में रिलीज हुई, हिट साबित हुई। उसके बाद नंबर 26 पे आती है राजा हिंदुस्तानी, 1996 में रिलीज हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 27 पे मासूम, 1996 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 28 पे आती है अजय, 1996 में रिलीज हुई, ये मूवी एवरेज साबित हुई। नंबर 29 पे आती है लहू के दो रंग, 1997 में रिलीज हुई, फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद सुरेश जी की 30वीं मूवी आती है कौन सच्चा कौन झूठा, 1997 में रिलीज हुई, डिजास्टर साबित हुई। नंबर 31 पे आती है सूरज, 1997 में रिलीज हुई, फ्लॉप साबित हुई। नंबर 32 पे आती है पृथ्वी, 1997 में रिलीज हुई, फ्लॉप साबित हुई। फिर सुरेश जी की 33वीं मूवी आती है 2001, 1998 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। नंबर 34 पे आती है अक्रॉस, 1998 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर 35 पे आती है शोल्डर, 1998 में रिलीज हुई, डिजास्टर साबित हुई। नंबर 36 पे दोस्तों आती है खोटे सिक्के, 1998 में रिलीज हुई, डिजास्टर साबित हुई। नंबर 37 पे मूवी आती है सफारी, 1999 में रिलीज हुई, डिजास्टर साबित हुई। नंबर 38 पे आती है सौतेला, 1999 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद नंबर 39 पे मूवी आती है काला मंदिर, 2000 में रिलीज हुई, डिजास्टर हुई। नंबर 40 पे कॉफ, 2000 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर सुरेश जी की 41वीं मूवी आती है प्यार तूने क्या किया, 2001 में रिलीज हुई, एवरेज साबित हुई। नंबर 42 पे गदर एक प्रेम कथा, 2001 में रिलीज हुई, दोस्तों एवरेज साबित हुई। नंबर 43 पे दाल द गैंग, 2001 में रिलीज, डिजास्टर। नंबर 44 पे लज्जा, 2001 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी जो है फ्लॉप साबित हुई। नंबर 45 पे आती है दोस्तों हम हो गए आपके, 2001 में डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 46 पे मूवी आती है शिरडी साईं बाबा, 2001 में रिलीज हुई, डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 47 पे मूवी आती है मोक्षा, 2001 में रिलीज हुई, दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 48 पे मूवी आती है सेकेंड मार्च,
30 सही 2002 में फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर 49 पे आती है रात के सौदागर 2002 में डिजास्टर साबित हुई। नंबर 50 पे कबीर सिंह 2019 में रिलीज हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई ये मूवी।